हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल के और मशहूर प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर आनंद पंडित जी। आनंद जी, कैसे हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो सबसे पहले तो ये बताइए, यू नो 2021, 2022 एंड 2023 में क्या आ रहा है आपके साइड से? एंटरटेनमेंट 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 क्या बात है, क्या। बट फिल्मों की बात करें तो अगेन यू नो दिस ईयर अगेन यू हैव लाइक बिग फिल्म्स कमिंग ये साल, अगले साल। तो सबसे पहले आई थिंक दिस ईयर इट्स गोइंग टू बी चेहरे, राइट? यस। तो आनंद जी, चेहरे यू नो अपनी कास्टिंग टाइम से काफी न्यूज में रही है, उसके बाद 2020 में फुल अनवांटेड कंट्रोवर्सी एंड देन रिलीज डेट को लेकर न्यूज में। तो अब वो जो फिल्म है वो इतनी बड़ी हो गई है, तो कुछ बताइए उसके बारे में। हाउ टफ वॉज दिस एंटायर प्रोसेस? मेरे लिए कोई टफ नहीं था, रादर आई वाज ऑन एंजॉयिंग द प्रोसेस। पहले तो कास्टिंग के टाइम पे भी बहुत इंटरेस्टिंग कास्टिंग हमने की है, इसमें आप जानते हैं उस हिसाब से सब वी कैन से मंझे हुए खिलाड़ी है। बच्चन साहब हो, इमरान हाशमी हो, अन्नू कपूर जी हो, धृतिमान सर हो, रघुवीर यादव हो, रिया चक्रवर्ती है, तो सब लोग बहुत ही एक्सपीरियंस है। और हमारे डायरेक्टर साहब रूमी जाफरी साहब बहुत एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से ये सब इकट्ठा करना फॉर्चुनेटली मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। आफ्टर दैट हमने तीन शेड्यूल किए, एक बॉम्बे में था, एक दिल्ली में था और एक स्लोवाकिया में था, यूरोप में। फर्स्ट टाइम स्लोवाकिया में कोई हिंदी फिल्म शूट हुई है, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। सो जर्नी वॉज वेरी ब्यूटिफुल। अनफॉर्चुनेटली लास्ट अप्रैल में हम लोग रिलीज करना चाहते थे, लेकिन मार्च से ही इसको लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद में हम रिलीज नहीं कर पाए। अगेन फिर से हम ये अप्रैल में करना चाहते थे, अगेन लॉकडाउन लग गया तो नहीं कर पाए। और नाउ अभी वी आर रेडी कि धीरे धीरे सब चीजें खुल रही है एंड लोगों की क्रेविंग फॉर गोइंग आउट बढ़ रही है, तो आई एम श्योर कि लोग इसको बड़े पर्दे पे देखने आएंगे। कितना टफ रहा होगा आनंद जी आपके लिए टू होल्ड दैट फिल्म? यू नो ये पिछले एक साल डेढ़ साल में हमने देखा है कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे, दे गेव अप एंड उन्होंने अपनी फिल्म, जो कुछ फिल्में तो ऐसी थी जो बड़े पर्दे वाली फिल्में थी बट वो दैट केम ऑन ओटीटी, तो इट मस्ट हैव बीन वेरी टफ फॉर यू। आप पे भी प्रेशर होगा काफी, लोगों ने दुविधा में होंगे कि मैं दे दूं फिल्म को कि नहीं दूं, तो ये कैसे आपने कंट्रोल किया? इसमें आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, दो तीन एस्पेक्ट है। एक तो लोगों को लगता है कि फिल्म स्टेल हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। फॉर्चुनेटली हमारा जो जॉनरा है सस्पेंस, साइकोलॉजिकल सस्पेंस, उसमें हमें वो डर नहीं था। दूसरा, लोगों को काफी प्रोड्यूसरों को इश्यू ये होता है कि उनका इंटरेस्ट बर्डन होता है, जिससे उनको अनफॉर्चुनेटली दे देनी पड़ी ओटीटी को या दूसरी जगह पे। मेरे केस में वो इश्यू नहीं था, सो देयर वाज नो इंटरेस्ट बर्डन ऑन मी। सो हमने पहले से ही तय किया था कि हम इसको होल्ड करेंगे, जब तक होल्ड कर सकते हैं तब तक होल्ड करेंगे और इसको अच्छे से बड़े पर्दे पे लेके आएंगे। यू नो आपने सस्पेंस एंगल की बात की, मर्डर मिस्ट्री की एंगल की बात की, तो एक बहुत ही निश जॉनरा हो गया आज के दौर में। एक जमाना था जब वी हैड विजय आनंद साहब, राज खोसला साहब, उसके बाद इवन वी हैड अब्बास मस्तान मेकिंग फिल्म्स, लेकिन आज वो बहुत कम फिल्में बन रही है। कई लोगों का ये भी मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में दिस इज वेरी अ बिग रिस्क, क्योंकि लोग अगर सस्पेंस रिव्यू मैसेज करने में लोग जो होते हैं ट्रिक्स, यू नो जिसको मिसचीफ करनी होती है वो एक ट्वीट कर देता है, लोगों का पूरा ये रुइन हो जाता है। तो आर यू गाइज ऑल्सो वरीड कि सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ हो सकता है? हमारी स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है। इट इज नॉट ओनली अबाउट सस्पेंस, इट्स मोर अबाउट थ्रिल कि कैसे पूरी चीज को डेवलप किया जाता है। स्टोरी टेलिंग जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है हमारी, और इसके ट्रीटमेंट अलग है। सो इट्स नॉट जस्ट सस्पेंस, जो दो मिनट पांच मिनट का सस्पेंस होता है वो नहीं है। इट्स एंड फिल्म के साथ में एक मैसेज जुड़ा हुआ है, सो दैट वुड बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे बच्चन साहब ने इसमें लास्ट में 14 मिनट का एक मोनोलॉग, वन टेक मोनोलॉग किया है, उसमें लोग इसको बहुत पसंद करेंगे। इसमें आज के जीवन की सीख भी इसमें रही है, तो दिस वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सस्पेंस।
बच्चन साहब की आपने बात की, मैंने कहीं पढ़ा था, और अगेन पीपल हु नो यू दे ऑल हैव टोल्ड मी दैट के इट वाज अ ड्रीम ऑफ योर्स टू वर्क विद अमिताभ बच्चन. आपने सरकार थ्री में भी आप एक साथ काम किया, बट चेहरे थे, तो किस तरह से इस बार प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चन साहब को? मेरी बहुत सालों से इच्छा थी कि कोई एक थ्रिलर और सस्पेंस हो तो अच्छा है, नहीं तो थ्रिलर, साइकोलॉजिकल थ्रिलर बच्चन साहब के साथ में बनाया जाए. तो मैं भी काफ़ी स्टोरीज देख रहा था, लेकिन कोई बच्चन साहब के लायक मुझे नहीं लग रही थी. उसमें अचानक बच्चन साहब का एक दिन मुझे फ़ोन आ गया कि अरे मेरे पास में एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और मैंने ग्रीन लिट किया है और साथ में रोमी जाफरी डायरेक्टर भी है. तो मेरे लिए वो सोने में सुहागा जैसा था कि सामने से बच्चन साहब ने ओके की हुई स्क्रिप्ट ही मुझे मिल गई, और दैट इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड. बट हाउ वाज दैट एंटायर एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम अगेन, एंड वो जो एक जेलिंग कहीं पे आपने अपने वो जो फैन बॉय को पकड़ के रखा था कि वो कहीं कहीं शूट के बीच में सर बताइए अमर अकबर एंथनी में ऐसा क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? नहीं, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बोथ ऑफ, आई मीन नेचुरली एज अ फैन, मैं पहले फैन हूँ बच्चन साहब का और डाई हार्ड फैन हूँ. मैंने जैसे दीवार 42 टाइम्स थिएटर में देखी है, वाओ, और उसके बाद में तो काफी टाइम पे टीवी पे तो देखी होगी. सो डाई हार्ड फैन हूँ, तो फैन तो कहीं छुपा तो नहीं रह सकता है. बट इट वॉज वंडरफुल जर्नी, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. ही इज लाइक ए इंस्टीट्यूशन, लिविंग लेजेंड है, खुद में एक इंस्टीट्यूट है. हर उम्र पे वो भी सीखते हैं और वो भी सिखाते हैं. सो दैट वॉज ए ब्यूटिफुल जर्नी, इट वॉज न्यू लर्निंग. सो इसके बाद थैंक गॉड अगेन अ ह्यूज फिल्म जहां पर टोटल धमाल के बाद इंद्र कुमार जी एंड अजय देवगन आर बैक, तो कुछ बताइए इसके बारे में. थैंक गॉड इज ए वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फिल्म है, जिसमें अजय देवगन है और सिद्धार्थ मल्होत्रा है, रकुल प्रीत है, और इंदु जी तो आप जानते हैं कि बहुत ही एक्सपीरियंस डायरेक्टर है. उन्होंने बहुत सब मेजोरिटी सुपर हिट ही दी है आज तक सब फिल्म में. तो ये फिल्म भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसे लास्ट कुछ फिल्में इंदु जी ने माइंडलेस कॉमेडी आई वुड से बनाई थी, ऐसी नहीं है. ये कॉमेडी भी है और इसमें साथ में जीवन का एक मंत्र भी छुपा हुआ है. सो दैट इज हाउ दिस इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर पीपल विल लव इट. ये मानना है अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में यू नो हॉलीवुड में जो फिल्में थी, पीपल वॉन्टेड टू सी लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में, बिग फिल्म्स, एंड वो एक दौर आया था, दे स्टार्टेड मेकिंग ऑल दोस बिग फिल्म्स. तो आपको लगता है कि यहाँ पर भी पेंडेमिक के बाद लोग अभी इसी तरह की बड़ी फिल्में देखना चाहते हैं सिनेमा हॉल में? मेरा ये स्ट्रांगली मानना है कि पेंडेमिक के बाद में जिस हिसाब से ओटीटी बहुत स्ट्रांगली उभरा हुआ है, उसके बाद में हम एक चौराहे पे आके खड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री. तो एज अ प्रोड्यूसर और एज अ फिल्म मेकर हमको पहले से ही ये तय करना पड़ेगा कि हम हमारी फिल्म को थिएटर में लेके जा रहे हैं कि हम ओटीटी के लिए ले जा रहे हैं. सो डिपेंडिंग ऑन दैट, क्योंकि ये दोनों का क्राउड अलग है. जी, सो थिएटर में अभी मेरे हिसाब से बड़ी फिल्में लगेगी, बड़ी स्टार कास्ट के साथ में, बड़ी प्रोडक्शन वैल्यू हो, उस हिसाब की फिल्में बनेगी. तो मेरे हिसाब से ये दोनों अलग हो जाएंगे. और ओटीटी पे थोड़े छोटे सर्कस के साथ में जो एजी फिल्म है उस टाइप की फिल्में आएगी. तो क्या लाइंड अप है? मैंने सुना है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके ग्रीन लिट होने के लिए, और बहुत सारी कहानियां आप सुन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. कुछ तो आज रिवील कीजिए कि क्या आ क्या रहा है. नहीं, काफी चीजें आ रही है, लेकिन हम अभी जैसे आपने बताया वैसे टोटल रिवर्क कर रहे हैं. कि जैसे पहले तो क्या था कि एक स्टोरी अच्छी लगी, फिर कास्टिंग कर दिया, प्रोडक्शन कर दिया और सिनेमा घर में छोड़ दी. अभी वो नहीं हो पाएगा. नाउ वी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड कि ये फिल्म, ये स्टोरी अपनी ओटीटी पे चलेगी कि नहीं चलेगी, ये थिएटर में चलेगी कि नहीं चलेगी, ये बजट अगर थिएटर में ले जाते तो ये कास्ट चाहिएगा, ओटीटी पे ले जाते हैं तो ये कास्ट, ये बजट, इस टाइप का उसका फैब्रिक होना चाहिए.
सो हर चीज डिफरेंटली होगी. सो पूरी की पूरी हम रीवैम्प कर रहे हैं, हमारी आगे की लाइनअप को पूरा का पूरा रीवैम्प कर रहे हैं कि कौन सी हम OTT पे ले जाएंगे और कौन सी हम थिएटर में ले जाएंगे. सो मे बी विद इन 2-3 मंथ्स वी विल बी एबल टू टेल यू मोर इन डिटेल. बट एक लास्टली एक और क्वेश्चन ये है कि कई लोगों का ये भी मानना है कि ये जो गैप जो अभी OTT एंड सिनेमा हॉल के बीच में जो रह गया है कि फिल्म रिलीज हो रही है उसके कुछ 3 हफ्ते बाद कोई फिल्म है, मास्टर के केस में 15 दिन में फिल्म आ गई थी OTT पे, देर आर अदर फिल्म्स विच आर दे आर प्लानिंग इन 20 डेज और कुछ 30 डेज है, तो ये अगर गैप रहा तो कईयों का ये भी मानना है कि कुछ लोग ऐसे भी सोचेंगे कि नहीं अच्छा 1 महीने में या 15 दिन के बाद या 20 दिन में अगर OTT पे आ ही रहा है तो मैं सिनेमा हॉल में जाके इतने पैसे खर्च करके क्यों देखूं, या दे विल वेट फॉर द फिल्म टू बी रियली जेन्युइनली गुड, गुड रेटिंग्स जब होंगे तब जाके देखेंगे. तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें एक छोटी फिल्म जिसके अंदर पोटेंशियल या वर्ड ऑफ माउथ वाला पहले जो होता था कि वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर ग्रो होती थी वो आज के दौर में मर जाएगी. नहीं, इसमें मेरे ख्याल से अभी पेंडेमिक की वजह से ये सब कंसेशन हुए, बट अदरवाइज आई एम ऑल्सो इन फेवर कि जो बड़ी फिल्में थिएटर में आएगी वो 6 या 8 वीक के बाद में OTT पे आए, और जो छोटी फिल्म डायरेक्टली OTT पे आ रही है उसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. सो अदरवाइज जो एक बड़ी इंस्टीट्यूशन है सिनेमा घर वो सब टूट जाएंगे. एंड वर्ल्ड वाइड ये एक ट्रेंड रहा ही है कि सिनेमा घर और OTT दोनों साथ साथ में आगे बढ़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से अपने वहां पर भी कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. Hello, fingers crossed for that and wish you all the best for all your bigger films and thank you for being such strong person and you know supporting cinema. Thank you Anand ji, thank you so much. Thank you so much, thank you for having me. Take care.